जिला पुलिस ने करीब सप्ताह पहले शाहबाद के घर से नकदी व गहने चोरी करने के महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। CIA 2 की टीम ने शाहबाद के घर से नकदी व गहने चोरी करने की वारदात को मात्र एक सप्ताह में सुलझाते हुए बाबिया जिला अम्बाला वासी महिला आरोपी कमलेश को गिरफ्तार करके चोरी शुदा नकदी गहने बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 18 अप्रैल को नीरज गुप्ता पुत्र रोशन लाल गुप्ता वासी शाहबाद ने बताया कि वह उसकी मां काफी समय से बीमार है, जिसके लिए उन्होंने एक केयर टेकर रखी हुई है। 18 अप्रैल को जब वह अपनी मां के इलाज के लिए मोहाली लेकर गए, शाम को जब वापस आए तो उनकी केयर टेकर बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली। घर के अंदर से रखी अलमारी में से 3 से 4 लाख रुपए व 10 से 15 तोला सोने के गहने कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया, जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच CIA 2 को सौंपी गई। दिनांक 25 अप्रैल 2024 को CIA 2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल के मार्ग निर्देशन में महिला कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। CIA 2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने इस मामले की पुष्टि की है। कुरुक्षेत्र से गुरुदीप सिंह गुजराल की रिपोर्ट। 18/4/2024 की वारदात है, शाहबाद में एक चोरी हुई है दिन दहाड़े। जो घर का मालिक था नीरज गुप्ता, वो उसकी मदर जो मित्रेश गुप्ता है उसको लेके फोर्टिज अस्पताल में गया हुआ था मोहाली में, और उनके घर में पीछे से फुल टाइम मेड इन्होंने रखी हुई है, वो रही थी, मतलब उस दिन भी वो अपने घर पे मौजूद थी। और ये जो लेडी है कमलेश, ये करीब 2 साल से इनके घर में बतौर मेड काम कर रही है। तो जब ये उस दिन वापस आए हॉस्पिटल से, इन्होंने देखा कि इनकी मेड जो है वो बाथरूम में बेहोश पड़ी है, और घर की जो अलमारियाँ थी और बाकी सामान था वो बिखरा पड़ा था। इन्होंने तुरंत पुलिस को डायल 112 को फ़ोन किया और पुलिस को सूचित किया, फिर इसको लेडी को हॉस्पिटल लेके गए और इसको वहाँ हॉस्पिटलाइज कराया। बाद में जब इसको होश आया कमलेश को, तो इसने बताया कि दिन में 2 लड़के आए थे टावर चेक करने के बहाने, इसने उनको मना किया लेकिन वो ज़बरदस्ती घर में घुस गए। पहले इसके पीछे पीठ पे उन्होंने कुछ हैवी चीज़ मारी और फिर इसके मुंह में कोई नशीला पदार्थ डाल दिया, जिसके बाद ये बेहोश हो गई।